तो हमारे साथ अजय आलोक जी भी है एक तरफ, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश के अच्छे दिनों की बात कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने जो किया और जिसने बीजेपी को सत्ता में एंट्री दिलाई उसकी बात कर रही है। अजय आलोक जी, एक तरफ बीजेपी के अच्छे दिन वर्सेज, अभी राधिका खेड़ा कह रही थी देश के अच्छे दिन वर्सेज कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन, आपका कॉमेंट? अजय आलोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 अदिति जी, अभी आ रही है। हाँ देखिए अदिति जी, जी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, 12 करोड़ वोट मिले थे उनको, और राहुल गांधी जी यात्रा निकाल के आज दिल्ली में आ रहे हैं। अच्छे हैं, अपनी पूरी ताकत अपनी एनर्जी झोंके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें क्योंकि कांग्रेस की तो ऊर्जा खत्म हो गई है ना। मैं तो कहूँगा थोड़ी टाइमिंग ठीक रहती तो एमसीडी में थोड़ा प्रदर्शन शायद सुधर जाता, ये यात्रा अगर 1 महीने पहले निकल जाती यहाँ पे तो, खैर उनका रूट प्लान था। मेरा बड़ा स्पेशली मानना है कि देश के अच्छे दिन सही मायनों में पिछले 8 वर्षों में बहुत अच्छे से आए हैं और आगे भी देश के अच्छे दिन ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आज की तारीख में काम करने का तरीका अलग है, किसी को एक पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, किसी को दूसरी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सवाल है देश को किसकी पॉलिसी अच्छी लगती है। आदेश ने मोहर दिया 2014 में उम्मीद के साथ, आदेश ने मोहर दिया 2019 में भरोसे के साथ, तो इसका मतलब देश को वर्तमान की पॉलिसी पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि ऐसा क्या करने जाएंगे 2029 में या 24 में जो इस पॉलिसी से बेहतर रहेगी। राहुल गांधी को विजन और व्यू दोनों बड़ा क्लैरिटी के साथ रखना पड़ेगा। जैसे कि आज एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा व्यंग लिखा एक अपने ट्विटर में कि पप्पू का टैग हट गया इस यात्रा से। अब ये पता नहीं ये तारीफ थी या व्यंग था या मजाक था, लेकिन क्या सिर्फ यात्रा करने से पप्पू का टैग हट जाता है? ये अजीब गरीब तर्क था। तो बहुत चीजें आगे देखनी पड़ेंगी, अभी तो यात्रा का पहला फेज का समापन है, ब्रेक ले रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, आगे अच्छी यात्रा रखें, थोड़ी सावधानी बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। जल्दी से एक कमेंट राधिका खेड़ा जी। अच्छा हुआ यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल की बात हुई। कोरोना प्रोटोकॉल क्या कंकारिया कार्निवल में नहीं लागू होने हैं? कोरोना प्रोटोकॉल क्या फ्लावर शो के लिए नहीं है? कोरोना प्रोटोकॉल क्या प्रमुख स्वामी जी की शताब्दी के लिए नहीं है? कोरोना प्रोटोकॉल क्या मोदी जी की रैली के लिए नहीं है? सारे कोरोना प्रोटोकॉल कांग्रेस की रैली के लिए। और हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं यदि सरकार कोई कोरोना प्रोटोकॉल लेकर आती है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उन नियमों का फॉलो करेगी। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने जैसा कहा हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया राजस्थान में तो सब कुछ याद आ गया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी सुबह पार्लियामेंट में मास्क पहन के आ जाते हैं, शाम को जब शादियों में जाते हैं उनका मास्क उतर जाता है, तब कोरोना प्रोटोकॉल पानी लेने चला जाता है। चीन से आज एक स्टेटमेंट आती है सरकार की मंत्रियों की कि चाइना हो, साउथ कोरिया हो, थाईलैंड हो और एक स्टेट और एक और राज्य बताया, देश बताया जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या इन जगहों से फ्लाइटें रोक दी गई? क्या दिल्ली से चीन, चीन से दिल्ली की फ्लाइटें रोक दी गई? क्या उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा? सबसे पहली बात तो आप चीन से फ्लाइट रोकिए। जब चीन में इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, चीजें बेकाबू हो रही है, तो क्यों आज तक दिल्ली, आज तक भारत से चीन और चीन से भारत की फ्लाइटें चल रही है? ये कैसी पॉलिसी है? कैसे हम कोविड से लड़ाई करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमारे को ये बैन करना चाहिए, आगे की चीजें बाद में होंगी। सबसे पहले अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे कि उनकी फ्लाइट आने देंगे। कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनको था। अरे राधिका जी तो एक बात का 10 बात समझ लेती है। मैं कह रहा हूँ कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, मतलब खुद का बचाव करके रखें, आगे की भी रैली लंबी करनी है। सरकार ने क्या कहा है कि कोरोना के तहत मानक आने वाले जितने चीजें हैं उनका सबको ख्याल रखना चाहिए, सभी नागरिकों से अपील की है। जब सब नागरिक आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा नागरिक आपको रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं तो राहुल गांधी भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। खैर उनकी इच्छा है, ना लगाना हो ना लगाएं। जहां तक रही बात 500 रुपए सिलेंडर ये वो करना,
तो घोषणा करना और अमल करने में बहुत अंतर है मैडम। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, किसानों का कर्जा माफ हो गया सरकार बनने के 10 दिन के अंदर, हिमाचल में पहली कैबिनेट के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। तो ये तमाम बातें हैं जिनके कसौटी पे उतरना अभी आपको बाकी है, तभी मैं कह रहा हूँ कि घोषणा करना और उसको अमल में करना दोनों में बहुत अंतर है। और अब पब्लिक वादों पे भरोसा नहीं करती है, अमल कीजिए तब आपका रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, वादा और उस पर अमल करना दोनों अलग बात है। जल्दी से कमेंट डॉक्टर अजीज खान आपका। जी देखिए अदिति जी, अभी मैं दोनों पार्टियों के बारे में सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। मैं देख रहा हूँ ये पिछले एक हफ्ते से बड़ा हु हल्ला मच रहा है कि साहब वो यात्रा नहीं रोकी जा रही है, उस पर लेटर जारी कर दिया गया, तमाम बड़े बड़े मुद्दे। ये जो उहापोह की स्थिति मची है, मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोरोना के लिए कोई काम हो नहीं रहा है, सिर्फ चिट्ठियां बट रही है एक दूसरे के लिए। मैं कह रहा हूँ कोरोना के लिए अगर सरकार वाकई में गंभीर है तो कोरोना के लिए उपाय क्या क्या किया अभी तक एक हफ्ते के अंदर, मैं जानना चाह रहा हूँ। कह रहे चाइना में बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ है, सब चाइना की फ्लाइटें तक नहीं रोकी जा रही हैं, वहां के जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन तक आप नहीं कर रहे हैं। तमाम साउथ एशिया, आप जैसे साउथ कोरिया और जापान और तमाम जगहों के बारे में आप कह रहे हैं सब फैला हुआ है, तो क्या कोरोना चलकर आएगा या कोरोना यहाँ पैदा होगा? जब चल के आएगा तो जो चल के आना है उसको कम से कम रोकते आप, वो काम आप नहीं कर रहे। दूसरी बात, पिछले कई दो लहर आए और दोनों लहर में हमारी सरकार निष्फल रही, पूरी तरह से कारगर नहीं रही, उसकी तैयारी नहीं है। अब उस तैयारी करने के बजाय आरोप और प्रत्यारोप का मामला चल रहा है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वाकई में गंभीर है तो प्रोटोकॉल क्यों नहीं जारी करती, एडवाइजरी क्यों नहीं जारी करती? अगर आप एडवाइजरी जारी करेंगे, प्रोटोकॉल जारी करेंगे तो हम लोग सरकार के अधीन आते हैं, सारे लोग आपकी बात मानेंगे, कोई पार्टी कांग्रेस नहीं है, समाजवादी नहीं, कोई भी शख्स आपकी बात को मानेगा, शासन सत्ता की बात मानेगा। लेकिन आप करने के बजाय सिर्फ कहते हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी किया, क्या प्रोटोकॉल जारी किया, क्या कोई पार्टी ऐसी जो नहीं मान रही है? ऐसा नहीं है। केवल कोरोना की चुनौती पर मैं बहुत बहस कर चुकी हूँ। मैं आज जो नई पॉलिटिकल तस्वीर क्या बन सकती है, क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं, इस पर बात कर रही हूँ। क्योंकि जब, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, जब जब नेता यात्रा पर निकले हैं उनके कद में इजाफा हुआ है, उनका कद बढ़ा है। एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि हम जब ये बात कह रहे हैं तो वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जो इसका आधार है। तो आपको महात्मा गांधी याद होंगे, शुरुआत में ही हमने दांडी यात्रा का जिक्र किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया था अपनी इस यात्रा से। 1952 में जम्मू कश्मीर यात्रा जहन में आती है। दो निशान दो विधान के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस अभियान की, इस मुहिम की, इस कैंपेन की शुरुआत की थी। इसके अलावा 1983 में चंद्रशेखर की भारत यात्रा जहन में आती है, जिसने भारत में, देश में कांग्रेस के खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस की संदेश यात्रा है 1985 में राजीव गांधी की इमेज जहन में आती है। और ये 3 महीने की यह यात्रा थी जिससे कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद 1990 की बात करें तो राम मंदिर यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी और राम मंदिर के लिए ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा, जिसने जो पॉलिटिकल तस्वीर थी या जो पॉलिटिकल नैरेटिव यहां पर कहना चाहिए उसे बदलने की एक कोशिश की थी। इसके अलावा 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी। 2003 में राजशेखर रेड्डी की जनजन यात्रा, आंध्र प्रदेश में टीडीपी सत्ता से बेदखल हो गई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने दर्शकों को लगातार यहां पर दिखा रहे हैं।